नमस्कार दोस्तों, मैं तुषार जैन CFO और रिसर्च हेड एट जयस्टो मनी गुरु और तुषार ग्लोबल सर्विसेज .com की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ। आज 3 अगस्त 2023, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे उत्तर भारत के राज्यों में स्पिनिंग मिलों की मांग घटने से कॉटन की कीमतों में नरमी के बारे में, विदेशी बाजार में हुई गिरावट और मौसम के कारण यहाँ कीमतों में कैसे बदलाव आया है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। स्पिनिंग मिलों की मांग घटने से उत्तर भारत के राज्यों में कॉटन कमजोर, दैनिक आवक रुकी। स्पिनिंग मिलों की मांग कम होने के कारण उत्तर भारत के राज्यों में, जिसमें पंजाब, हरियाणा और राजस्थान शामिल है, उनमें कॉटन के उत्पादक क्षेत्रों में दैनिक आवक रुक गई है। इससे कॉटन की कीमतों में भी नरमी आई है। IC कॉटन वायदा में कीमतों में गिरावट। IC कॉटन वायदा के भाव में बुधवार को गिरावट दर्ज की गई, जिसके कारण दिसंबर 2023 वायदा अनुबंध में कॉटन की कीमतों में 1.63 सेंट कमजोरी हुई है और इसके दाम 84.60 सेंट रहे। मई 2024 वायदा अनुबंध में भी इसकी कीमतों में 1.48 सेंट कमजोरी हुई और इसके दाम 84.87 सेंट रहे। विदेशी बाजार में कॉटन की कीमतों में गिरावट होने से घरेलू बाजार में भी स्पिनिंग मिलों की खरीद कमजोर होने से कॉटन की कीमतों में नरमी आई है। इससे लुधियाना बाजार में PC यान की कीमतें 2 रुपये प्रति किलो तक कम हो गई है। उत्तर भारत के कपास उत्पादक क्षेत्रों में मौसम के खराब होने से कपास की आवक में भी कमी हो रही है। इससे कॉटन की कीमतों में सुधार आया है, लेकिन कपास के भाव स्थिर बने रहे हैं। आज के वायदा अनुबंध में रुई की कीमतों में भी बदलाव आया है। पंजाब, हरियाणा और ऊपरी राजस्थान लाइन में रुई के भाव 6,700 से 7,100 रुपये प्रति क्विंटल बोले गए। बिनौला के भाव पंजाब और हरियाणा लाइन में 2,950 से 3,100 रुपये और ऊपरी राजस्थान लाइन में 3,200 से 3,400 रुपये प्रति क्विंटल बोले गए। राजस्थान के पिलानी में भी रुई के भाव हाजिर डिलीवरी के 6,150 से 6,225 रुपये प्रति मन बोले गए। इस वीडियो में हमने देखा कि स्पिनिंग मिलों की मांग घटने से उत्तर भारत के राज्यों में कॉटन की कीमतों में नरमी आई है। विदेशी बाजार में हुई गिरावट और मौसम के कारण भाव बदल रहे हैं। हम आशा करते हैं कि इस जानकारी से आपके लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी रही हो। धन्यवाद।